सभी को नमस्ते। आज हम लोग चाय का मसाला बनाएंगे, बिल्कुल जिससे आपकी चाय टेस्ट में अच्छी ही बनेगी, प्लस इनमें औषधि गुणधर्म जो है वो आपको आपके सेहत के लिए जो अच्छा है। सबसे पहले हम उसमें यूज़ करने वाले हैं काली मिर्च, यानी काली मिर्च हल्की सी भुनी हुई, लौंग, इलायची के दाने यानी इलायची, अखा, हरी इलायची भुना हुआ, बड़ी इलायची हल्की सी भुनी हुई, ये जो है यह है मुलेठी का पाउडर, ज्येष्ठ मत मराठी में हम लोग कहते हैं इसको, उसका पाउडर है, यह है दालचीनी, जायफल और सौंठ, सभी को हल्का सा आपको भून के लेना है। ये सभी चीज़ों को, सिर्फ जायफल जो है इसको आप भूनने की ज़रूरत नहीं, बाकी के सारी चीज़ें आप हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। और अगर भूनना नहीं भी है तो भले इसको आप 2 घंटे 3 घंटे कड़ी धूप में रख दीजिए, ताकि ये हल्का सा सख्त हो जाएगा और इजीली आप उसके ये बना सकते, पाउडर बना सकते हैं। सभी चीज़ों को लेकर अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली मिक्सर में इसकी हम पाउडर बनाएंगे, एक साथ मिलाकर इसकी पाउडर बनाई जाएगी, ठीक है। चाहे तो उखली में आप इसको अच्छे से कूट लीजिए, ताकि हल्का सा ये टूट जाएगा और मिक्सर में आप आराम से इसको पाउडर कर सकते हैं इसका। तो उखली में थोड़ा सा हम इसको हल्का सा फोड़ लेंगे, हल्का सा इसको उखली में हम लोग अच्छे से तोड़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको उखली में या मिक्सर में दोनों में से किसी भी चीज़ में आपको इसको अच्छे से पाउडर बनाना है और महीन छलनी से इसको छान लेना है। छानने के बाद जो भी दरदरा है वो ऐसे ऊपर आ जाएगा, जो दोबारा आप इसको कूट सकते हैं, बट जब आप इसको कूटेंगे तो बहुत अच्छी वो आपको टेस्ट देता है। ये ऐसे चाय का मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये चाय का मसाला इस्तेमाल करते समय चाय बनने के बाद 2 चुटकी 1 कप के लिए इस तरह से आप इस्तेमाल उपयोग कर सकते हैं इसका। हर कप में आप डाल सकते हैं 2-2 चुटकी, या तो उबालते समय उसमें आधा चम्मच डाल दीजिए ये मसाला और अच्छे से उबाल लीजिए उसको।